और चलिए अब आपको भिंड लिए चलते हैं और मिलवाते हैं यहाँ एक ऐसे कर्मचारी से जिन्हें एक दिन के लिए चपरासी से सीधे अफसर की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है और मुझे फिल्म नायक याद आ गई श्वेता। बिल्कुल, मुझे भी वही फिल्म याद आई जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बना दिया गया था। वैसे आपको बता दें, भिंड की जो ये खबर है ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि चपरासी से एक दिन के अफसर की कुर्सी पर बैठते ही रमेश श्रीवास बिल्कुल अनिल कपूर के नायक वाले फॉर्म में आ गए। उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। भिंड का ये सरकारी दफ्तर वैसे तो दूसरे तमाम दफ्तर जैसा ही है, लेकिन ये ऑफिस फिलहाल रमेश श्रीवास की वजह से चर्चा में है। ये यहाँ चपरासी के पद पर तैनात हैं, दिन भर फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुँचाते हैं, दफ्तर की सफाई का जिम्मा भी इन्हीं के पास है और लोगों तक पानी पहुँचाना भी उनकी ड्यूटी है। श्रीवास यहाँ 37 सालों से काम कर रहे हैं और जल्द रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो इस दफ्तर में अचानक एक दिन चपरासी से सीधे अधिकारी बनकर आदेश जारी करेंगे। ये कभी खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। हुआ यूं कि भिंड के इस दफ्तर के बीईओ ने बड़ा कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने एक दिन के लिए रमेश श्रीवास को चपरासी से सीधे बीईओ की कुर्सी पर बैठा दिया। रमेश को आदेश देने से लेकर निरीक्षण तक की पूरी छूट दी गई, जिसके बाद तो रमेश नायक वाले फॉर्म में आ गए। उन्होंने एक एक करके ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। चपरासी से एक दिन के बीईओ बने रमेश ने पहले तो दो स्कूलों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया, बच्चों से उनकी पढ़ाई का हाल जाना, यही नहीं बच्चों से सीधा संवाद किया। उसके बाद रजिस्ट्रों का तसल्ली से मुआयना किया। फिर उन्होंने गुटखा खाने वालों की खबर लेते हुए सीधे 200 रुपए के जुर्माने का आदेश जारी कर दिया। चपरासी से एक दिन के बीईओ की भूमिका में जैसी ताबड़तोड़ पारी रमेश श्रीवास ने खेली, उससे तो वो भी काफी खुश नजर आए। 37 साल की सर्विस में हम उम्मीद कभी भी नहीं लगा सकते थे कि हम अधिकारी के पद पे आएंगे। एक दिन के लिए दफ्तर के चपरासी को बीईओ की कुर्सी पर बैठाने वाले अधिकारी सुदामा सिंह के इस नयाब कदम की भी काफी तारीफ हो रही है। हमारा जो कर्मचारियों अधिकारियों का जो भेद है वो मुझे लगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो समझते हैं कि हमारे अधिकारी मुझ पर प्रेशर डालते हैं या अधिक काम लेते हैं, तो काम की पद की गरिमा और पद का भाव पैदा हो उनमें भी और उन्हें भी कुछ कर्तव्य अपने की जिम्मेदारी महसूस हो। इसलिए फोर्थ कर्मचारी को मैंने एक दिन का पदभार दिया है। भिंड का ये दफ्तर अपने एक दिन के बीईओ रमेश श्रीवास पर नाज कर रहा है। जाहिर है ये प्रयोग न केवल खुद में नायाब है बल्कि इस एक्सपेरिमेंट से इस दफ्तर का माहौल भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। भिंड से हेमंत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।